हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों में शिक्षा का अभाव। सीबीओ व बीओ ने अलग अलग विद्यालय का किया निरीक्षण। विद्यालय में की चित्रकारिता की रिपोर्ट बनाकर स्टेट तक भेजे सोनी। उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पांगली पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय का ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान शिक्षा के मंदिर में दिखा शिक्षकों में शिक्षा का अभाव, जहां पर निरीक्षणकर्ता सोनी द्वारा पूरे विद्यालय का भौतिक निरीक्षण कर विभिन्न पत्रावली की जांच भी की गई एवं दसवीं कक्षा के असंतोष प्रद रहे रिजल्ट को लेकर भी जांच की गई एवं बांगली में स्मार्ट क्लास का निरीक्षण कर विद्यालय के शारीरिक शिक्षक गजेंद्र सिंह राणावत द्वारा पूरे विद्यालय में चित्रकारिता के माध्यम से आकर्षण का केंद्र बने। विद्यालय की गहराई से निरीक्षण करते हुए प्रधानाचार्य को रिपोर्ट बनाकर स्टेट लेवल तक भेजने के लिए निर्देश दिए एवं गोविंद सिंह देवड़ा द्वारा विद्यालय में विभिन्न वृक्षों को लगाने पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मोहनलाल सोनी ने कहा कि विद्यालय के हर कमरे के बाहर बनी चित्रकारी जो छात्र को किस ओर प्रेरित करती है उसी हिसाब से उसकी पूरी मॉनिटरिंग करना प्रधानाचार्य का दायित्व रहता है, जो पूरी चित्रकारिता का सही से उपयोग हो सके, अन्यथा जो आकर्षण का केंद्र बना विद्यालय है इस सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वहीं बरामदे में बने ब्लॉक बोर्ड पर सामान्य ज्ञान व प्रशासनिक अपडेट लिखने के लिए भी निर्देशित किया गया। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण बीईओ पर्वत सिंह राठौड़ ने किया, जहां पर पूरे स्टाफ की क्लास भी लगाई, जिसमें राठौड़ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पूरे स्टाफ का कार्य तारीफ के काबिल नहीं दिखा, जहां पर वर्तमान में कोविड-19 के तहत चलाई जा रही ऑनलाइन अध्ययन को लेकर सवाल जवाब किए गए, लेकिन उसमें भी अनुभव का अभाव दिखाई दिया। मेन विद्यालय में नए एडमिशन को लेकर मात्र 5 एडमिशन होने को लेकर भी निर्देशित किया गया कि हर एक शिक्षक शिक्षिकाओं को फ्री 5-5 में एडमिशन करना अनिवार्य है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मोहनलाल सोनी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुमेरपुर, इन्होंने ये कहा। एबीएल कक्ष का जो निर्माण हुआ है उसको देखने के आए थे और यहाँ का जो स्मार्ट रूम बना है उसकी प्रगति देखने आए थे। और निरीक्षण के दौरान सर क्या? निरीक्षण के दौरान बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के पीटीआई जी ने बहुत सुंदर चित्रकारी से पूरे विद्यालय को आकर्षक बना दिया है और उसके लिए मतलब बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।